हेलो एंड वेलकम दोस्त, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ कार्ड अपने मोबाइल या पीसी के द्वारा कैसे बनाते हैं। दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ कार्ड हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हुए लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके काफ़ी कुछ फ़ायदे भी हैं जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम बताएँगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम पीसी की तरफ और देखते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ कार्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर और वहां पर आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है उसे ओपन करते हैं। ये जो दोस्तों ऑफिशियल साइट है healthid.ndhm.gov.in। दोस्तों अगर आपको ये साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रख देंगे, आप वहाँ पर भी डायरेक्ट जाकर अपना आयुष्मान भारत का डिजिटल हेल्थ कार्ड बना सकते हो। दोस्तों जैसा कि ये साइट ओपन हो चुका है उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए होम, लॉगिन, जनरेट आईडी, फैसिलिटी, कॉन्टैक्ट, FAQ ये सब ऑप्शन दिख रहा है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट जनरेट आईडी पर भी क्लिक करके हम अपना आईडी बना सकते हैं, नहीं तो नीचे स्क्रॉल करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल, ये देखिए नीचे दिख रहा है हेल्थ आईडी, क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ। ठीक है दोस्तों, तो हम क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, दोस्तों जैसे ही हम क्रिएट योर हेल्थ आईडी पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह ओपन होके आएगा। यहाँ पर हम दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपना हेल्थ आईडी जनरेट कर सकते हैं। पहला है जनरेट वाया आधार और जनरेट वाया ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड अभी पास में मौजूद है तो हम अपना जनरेट वाया आधार पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इसके लिए ये देखिए क्लिक किया और कुछ ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, अगर आप हेल्थ आईडी बनाना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना आधार नंबर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, आधार नंबर भी डाल सकते हैं और /virtual ID, मतलब आधार कार्ड पर ही लिखा रहता है वर्चुअल आईडी, वो भी आप डाल सकते हो। तो जैसा हम अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं, दोस्तों हमने अपना आधार नंबर डाल लिया है और यहाँ पर एग्री, मैं सहमत हूँ, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है, उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे आधार से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाएगा। जैसा कि हमारे आधार कार्ड से जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ चुका है, हम देख लेते हैं। दोस्तों OTP हम डाल लेते हैं। दोस्तों OTP डालने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें एक और विंडो ओपन होकर आता है। यहाँ पर हमें एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा। अगर हम चाहें तो हमारा आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड नंबर था वहीं दोबारा डाल सकते हैं, तो हम वहीं सेम नंबर डाल लेते हैं यहाँ पर भी और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट बटन पर दोस्तों क्लिक करते हैं तो दोबारा से उस नंबर पर OTP हमारे फ़ोन पे आ जाता है। तो दोस्तों दोबारा से हम OTP लेके यहाँ पर डाल लेते हैं।
दोस्तों हमने ओटीपी दोबारा से फिल कर लिया और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है सब सामने आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अपना PHR एड्रेस मेंशन करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं जो एक्सेप्टेबल हो, मतलब जो इसके पहले हेल्थ आईडी कार्ड पे कोई अपना आईडी नहीं डाला रहेगा वो एक्सेप्ट कर सकता है, वैसा कुछ हमें यूनिक डालना है। तो देखिए हमने जो डाला वो एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस का भी ऑप्शन है जो यानी कंपलसरी नहीं है, तो हम इसे नहीं डालते हैं। और एड्रेस देखिए दिख रहा है नीचे, तो सब बराबर है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारा हेल्थ आईडी कार्ड जनरेट हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह अपना हेल्थ आईडी कार्ड दिखता है। तो हम इसे चाहे तो डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं या इसका स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करा सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपना आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ कार्ड अपने मोबाइल या पीसी के द्वारा बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।